शर्मा शो के स्टार कपिल शर्मा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। इस बार वो अकेले नहीं है जो ट्रोल्स के निशाने पर है। इस बार वो सलमान खान को भी लेकर बीच में कूदे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रोलर्स का निशाना है द कपिल शर्मा शो, जिसके प्रोड्यूसर है सलमान खान। जी हाँ, और वजह ये रही है क्योंकि जल्द ही एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, और ये फिल्म कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा से कहा, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया, वो भी ये कहते हुए कि वी कैन नॉट प्रमोट दिस बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी बिग स्टार। जी हाँ दोस्तों, और ये बात एक फैन के कहने के बाद खुद विवेक अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म बेहद बेहतरीन है। ट्विटर पर यह सारी वार्तालाप हुई है, जहां पर उस फैन ने विवेक को टैग करते हुए कहा कि आपको फिल्म का प्रमोशन कपिल शर्मा शो में करना चाहिए। तो यहां पर विवेक ने कहा कि सॉरी, हाँ मैं कपिल का बहुत अच्छा फैन हूँ और मैं उनको पसंद करता हूँ, और मैंने उनसे कहा भी कि मैं इस फिल्म को प्रमोट करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपकी इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं हमारे शो में, क्योंकि आपकी इस मूवी में कोई बड़ा स्टार नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती है, अनुपम खेर जैसे बड़े सितारे हैं, वहां किस और दूसरे बड़े सितारे की जरूरत है। तो इस तरीके से इस ट्वीट के बाद तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और वो कपिल शर्मा को आड़े हाथों लेने लगे। कहने लगे कि कपिल शर्मा भी बिक गए हैं, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो बस अपने भाई के बारे में ही सोचते नजर आते हैं। जी हाँ, फैंस ने एक प्रॉपर ट्वीट किया है इस बारे में, जहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि कपिल शर्मा ने अपनी आत्मा बेच दी है, वो सिर्फ अपने भाई को लेकर फिक्रमंद है और उन्होंने देश के जरूरी मुद्दों से पूरी तरह दरकिनार किया। आखिर पैसा किसका है, पैसा फेंको तमाशा देखो। कपिल से हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कपिल शर्मा शो को लेकर जो भी विवाद चल रहा है, इस पर आप लोगों की क्या राय है साझा कीजिएगा हमारे साथ, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।